मैं हरियाणा प्रदेश को, पूरी जनता को मैं ये प्रणाम करता हूँ। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री, अभी बाद में बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। सीएम साहब जहाँ पर एक्चुअली आप सारे कांग्रेस के आदमी थे, वहाँ पर एक बड़ी जीत आना और एक मैंडेट लेके जाना। सर देखिए, मैंने मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं ईसीआई पर, वो कह रहे हैं कि देरी से अपडेट कर रहा था। जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं? देखिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता, जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं। कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो, उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है। सर किसानों का पहलवानों का, आपको जलेबी खिलाएंगे सर, मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। पहलवानों का, जवानों का, किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद आप जीते। कांग्रेस ने घेरा जवानों पर, पहलवानों पर, किसानों। नहीं देखिए, उनका झूठ का ये सारा विषय था। मैं हरियाणा प्रदेश को, पूरी जनता को मैं ये बनने जा रहे हैं। अरे देखिए, मैं प्रणाम करता हूँ जनता। सैनी साहब कितना बड़ा नेतृत्व का था, पहली बार आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपने पूरी बीजेपी को आपने राहुल गांधी, कितना बड़ा टेस्ट था और कैसा लग रहा है उस टेस्ट में सफल होकर? जब मोदी जी का आशीर्वाद सिर पर हो, अमित शाह जी का आशीर्वाद सिर पर हो और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद सिर पर हो और जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर हो, तो फिर दिक्कत नहीं आती, फिर हम आगे बढ़ाएंगे।